नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एबी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल फ्लूड पावर, जिसके अंदर आज मैं समझाने वाला हूँ हाइड्रोलिक सिस्टम के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। यदि आप हाइड्रोलिक सिस्टम के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें और ध्यान से सुने। सबसे पहले मैं बता दूं, हाइड्रोलिक सिस्टम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि हाइड्रोलिक सिस्टम की मेरिट्स एंड लिमिटेशंस को समझाइए। तो मेरिट्स का मतलब होता है एडवांटेज और लिमिटेशंस का मतलब होता है डिसएडवांटेज। दोनों में से किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है, मेरिट्स भी लिखा आ सकता है और एडवांटेज भी लिखा आ सकता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हाइड्रोलिक सिस्टम के एडवांटेज की या फिर मेरिट्स की। तो याद रखें कि यहां पर हमने जो पॉइंट लिए हैं ऑलरेडी पहले से लिख रखे हैं, उन्हीं को मैं समझा रहा हूं। आप पढ़कर भी समझ सकते हैं और मैं जैसा सुना रहा हूं वैसे भी आप इसको समझ सकते हैं। हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। हाइड्रोलिक सिस्टम में हम क्या करते हैं, ऑयल या जो कोई भी फ्लूड हो सकता है, कोई भी लिक्विड हो सकता है, उसका उपयोग करके हम क्या करते हैं, प्रेशराइज करते हैं उस लिक्विड को किसी पंप के थ्रू, और उस प्रेशर एनर्जी का उपयोग करके हम मैकेनिकल वर्क प्राप्त करते हैं। ठीक है, मैकेनिकल वर्क में कोई भी हैवी लोड को उठाना भी हो सकता है, उसको होल्ड करना भी हो सकता है, या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना भी हो सकता है, या और भी कुछ वर्क हो सकता है। तो यहाँ पर हर एक पॉइंट में हमने कुछ ना कुछ बताने की कोशिश की। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर हम जो लिक्विड या जो भी हम फ्लूड यूज करते हैं, उसकी सहायता से किसी भी वेट को, हम हैवी वेट को, ज्यादा से ज्यादा हैवी वेट को हम क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, उठा सकते हैं। जैसे क्रैंक मशीन वगैरह आपने देखी होगी, या फिर आपने जो ट्रक वगैरह देखे होंगे जिसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारा जो हैवी वजनदार चीजें होती हैं उनको हम लोड कर सकते हैं, फिर जो हाइड्रोलिक सिस्टम की सहायता से उसको खाली कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या कर सकते हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम का उपयोग करके हम हैवी लोड को उठा सकते हैं और उसको होल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि सेकेंड पॉइंट में आप पढ़ेंगे, इसमें क्या होता है, जो भी हमारी सीएनसी मशीन है या बीएमसी मशीन है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, एक एक्यूरेसी के साथ वर्क कर सकते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम की सहायता से। अब इस तरह थर्ड वाला पॉइंट देखेंगे तो हम हाइड्रोलिक सिस्टम की सहायता से क्या कर सकते हैं, एक लिमिटिंग और बैलेंसिंग की बात करते हैं, जहां पर एक अच्छा संतुलन और बैलेंस हो उसको हम प्राप्त कर सकते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम की सहायता से। इसके अलावा जो हम लीनियर और रोटरी मोशन होता है एक्चुएटर्स के अंदर, वह भी अच्छा अचीव कर सकते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम की सहायता से। अब कुछ और पॉइंट है उनकी बात करते हैं। जैसे कि पांचवें नंबर में आपको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो हम इसमें ऑयल यूज करते हैं, ऑयल क्या होता है, सेल्फ लुब्रिकेटिंग सिस्टम होता है। इसमें अलग से हमें लुब्रिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑयल का यूज करेंगे तो ऑलरेडी ऑयल क्या कर देता है, मशीन को लुब्रिकेट कर देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ लुब्रिकेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, इसलिए इसमें अलग से लुब्रिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। सिक्स पॉइंट में आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है, या इसका जो फ्लेक्सिबल कनेक्शन के कारण क्या होता है, या कंपाउंड मोशन आसानी से इसमें कर सकते हैं बिना किसी गियर के, ठीक है, या किसी मैकेनिकल डिवाइस के। नेक्स्ट में देखें तो इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है उसमें क्या हम ऑयल वगैरह यूज करते हैं या जो भी हम लिक्विड वगैरह यूज करते हैं, उससे क्या होता है, इसमें जो रेजिस्टेंस रहता है वह वेरी लेस रहता है। रेजिस्टेंस बोले तो जो घिसावट रहता है, जिसे बोलते घर्षण, वह बहुत कम से कम होती है इसके अंदर घर्षण। इसके अलावा जो ऑयल का यूज करते हैं इसलिए इसमें नॉइज भी कम होता है, वाइब्रेशन भी क्या होता है, कम होता है। इसके अलावा जो लास्ट में देखेंगे तो हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या होता है, जो डिस्टरबेंस होता है, जो जो हमारा जो सिस्टम रहता है पूरा, उसमें जो भी कनेक्शन रहते हैं, चाहे वो लाइट का कनेक्शन हो या कोई अदर कनेक्शन हो, वह कैसे रहते हैं, बहुत सिंपल रहते हैं और इजी रहते हैं। ये कुछ एडवांटेज थे जो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। इस तरह के कुछ लिमिटेशंस और डिसएडवांटेज हैं, उनको भी समझ लेते हैं। अब जैसा कि सभी के कुछ डिसएडवांटेज होते हैं तो इसके भी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होंगे। जैसा कि फर्स्ट पॉइंट में हमने समझाने की कोशिश की है, इसके अंदर क्या होता है, हम हाई एक्यूरेसी प्राप्त करने करते हैं तो इसके लिए हमें क्या होता है, कॉस्ट अधिक लगाना पड़ती है, तो यह थोड़ा सा महंगा हो जाता है। सेकेंड में आप देखेंगे क्या होता है, जब भी हाइड्रोलिक सिस्टम में लीकेज पैदा होता है, कोई लीकेज हो जाता है, तो क्या होता है, एकदम से जो हमारा हाई प्रेशर होता है वह एकदम से ड्रॉप हो जाता है और हमारा नुकसान हो जाता है। इसी तरह की जब भी लीकेज उत्पन्न होता है तो जो भी जहां पर भी हम इसका यूज करते हैं वहां पर डर्टी हो जाते हैं, मतलब गंदा दिखने लगता है, फूड वगैरह रहता है जहां पर,
हम दवाइयां वगैरह बनाते हैं, वहां पर बहुत क्या होता है, डर्टी हो जाती है, गंदी गंदगी फैल जाती है, ठीक है, और हमारे सामान गंदे हो जाते हैं। इस तरह फोर्थ पार्ट में देखेंगे, इसमें कई बार क्या होता है, पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह जब यूज करते हैं तो वहां पर क्या होता है, आग लगने वगैरह का बहुत ज्यादा डर रहता है और लग भी जाती कई बार। ये भी क्या है, इसका डिसएडवांटेज है। कुछ और डिसएडवांटेज है उनको भी समझ लेते हैं। अब जैसे आप नेक्स्ट देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ क्या होता है, जब ठंडी होती है उस टाइम क्या होता है, ऑयल जमने लगता है, तो उसको जमे नहीं, उसको थोड़ा सा पतला रहे, उसके लिए हमें अलग से हीटर वगैरह यूज करने पड़ते हैं, उसकी भी लागत बढ़ जाती है। लास्ट में देखा होगा जिसमें लिखा हुआ है कि इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वह भी अधिक रहती है, क्योंकि हम जानते हैं इसकी लीकेज वगैरह बढ़ते रहते हैं, जल्दी से लीकेज होने लगते हैं, इसलिए उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी अधिक रहती है। ये कुछ डिसएडवांटेज थे थ्योरी एग्जाम के पर्पज से, सफिशियंट है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज इनको आप लिख सकते हैं थ्योरी एग्जाम में। यदि वीडियो पसंद आता तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।